तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो हो गया, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने ये ग्लास ट्यूब वाला जो आपको बताया, ये ग्लास ट्यूब वाला, ये इसका डिस्कशन करते हैं कि ग्लास ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो सारी इसके बारे में बातें बताई, इसका एक्चुअल सेंस समझाता हूँ मैं आपको। ये ऐसा है कि कैसा है ये मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जब ये बना था तो किस तरीके से ये काम करता है। देखो भैया, ये जो है ये पूरा सेटअप है। जैसे ये अपना एक ग्लास ट्यूब है, ये इसके अंदर ये दो प्लेट हो गई। ये प्लेट कौन सा हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक वाला प्लेट हो गया, फोटो प्लेट बोलते हैं इसको, संग्राहक प्लेट बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट हो गया। ये मैंने बैटरी लगा रखी है, ये मैं यहाँ से लाइट यहाँ पे छोड़ूंगा इसके ऊपर, तो इस फोटो प्लेट के ऊपर क्या होगा, लाइट छोड़ेंगे। तो जैसे हम लोगों को अब जो भी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो सारा एक्सप्लेनेशन दिया ना, आइंस्टाइन का थ्योरी या जो भी मैंने बताया, वो हम लोग यहाँ पर, मैं इसको एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ। देखो अब कैसे होता है। पहली चीज़ तो आइंस्टाइन का जब थ्योरी पढ़ा था, अब मैं जो जो चीज़ें बताया ना उसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें क्या क्या, एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब तक नहीं होता है जब तक उसके ऊपर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा या उसके बराबर आवृत्ति ना हो। मतलब फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, आवृत्ति का वैल्यू है, वो हमारे पास में दहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उत्सर्जित होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो उसके लिए यहाँ से जो लाइट आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखना, मेरे पास में जैसे कोई लाइट है, यहाँ पर मैं इस लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, मैं लाइट तो छोड़ रहा हूँ यहाँ से, ये लाइट आ रही है यहाँ से, आप देखो ये लाइट आ रही है यहाँ से, बैटरी है जैसे टॉर्च है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये लाइट जो है, मैं इसका कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे 753 नैनोमीटर का वेवलेंथ है इसका, तो उसके करेस्पॉन्डिंग इसका कोई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ से अभी कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि अभी जो इसकी आवृत्ति है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेली आवृत्ति से कम है। अब मैं आवृत्ति को बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी मैं रेड लाइट आ रहा है, ये रेड कलर का है, लाल लाइट यहाँ पे आ रहा है, अभी भी क्या है, आवृत्ति अभी भी थ्रेशोल्ड से कम है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। अब देखना, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं येल्लो लाइट में आ गया, ग्रीन लाइट आ गया लगभग लगभग, अभी भी यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, यहाँ से अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। फिर बढ़ाता हूँ मैं, अब देखो अभी जाके मैं ब्लू लाइट के आसपास पहुंचा हूं और यहां से अब जाके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किए हैं। तो आइंस्टाइन ने यही तो बात बताई थी कि जो एक एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी उससे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा ना। तो जब तक मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति बोलते हैं, उस वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। यही बोला था हमने, अभी जो लास्ट ग्राफ बनाया था उसमें ये बात की थी ना हमने। यहाँ पर देखो, जो बैटरी कनेक्ट कर रखा है मैंने, उस बैटरी का वोल्टेज अभी जीरो है, तो बैटरी का जीरो वोल्टेज तब भी यहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ये मैंने ग्राफ बनाया था आपके लिए, मैं बताऊँ कहाँ पे बनाया था, एक सेकेंड, ये ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में यही तो बात की थी कि जब वोल्टेज का वैल्यू, देखो इधर वोल्टेज लिया था, इधर करंट लिया था, वोल्टेज का वैल्यू जब जीरो था तब भी करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ था, यही था, और फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते थे करंट का वैल्यू बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, यही होता था। यही देखना, अभी मैं वापस से वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू जीरो है तब करंट मिल रहा है अपने को, तो करंट का कुछ वैल्यू है। अब मैं वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाऊंगा और
और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और करंट कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन फास्ट फास्ट मूव करेंगे तब। तो मैं देखो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा के एक सेकेंड वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। मैं वोल्टेज का वैल्यू मैंने देखो वोल्टेज का वैल्यू जैसे ही बढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जाने लग गए ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से उत्सर्जित होगा, जैसे एमिट होगा, एकदम से चला जाता है। तो करंट का वैल्यू क्या होता है, पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर जाके क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। और बढ़ाऊंगा एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, यही पढ़ा था। और अगर वोल्टेज का वैल्यू मैंने बोला था कि वोल्टेज का वैल्यू अगर इसके अंदर हम लोग नेगेटिव में जाते हैं, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक का कर्व। तो अब वोल्टेज का वैल्यू अगर नेगेटिव करते हैं, कम करते हैं, माइनस में लेके जाते हैं, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो करंट का वैल्यू धीरे धीरे कम होगा और फिर एक वोल्टेज का वैल्यू ऐसा मिलेगा जहां पर करंट क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो वो देखते हैं। अब मैं वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव में लेके जाऊंगा, तो पहले तो अभी 5.4 है, तो इसको मैं पहले तो धीरे धीरे क्या करता हूँ, इसको जीरो पे लेके आता हूँ, इसको जीरो पे लेके आता हूँ। ये देखो जीरो पे आ गया, जीरो पे अभी क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अब मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, नेगेटिव करूँगा मतलब इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो ये इस तरफ जाएगा, मैं धीरे धीरे नेगेटिव कर, तो इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते तो है यहाँ से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है, लेकिन ये क्या प्लेट पर नेगेटिव इतना ज़्यादा लगा दिया मैंने कि इनको आने ही नहीं दे रहा, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो के बराबर कर देता है। और जैसे और ले जाता हूँ, जैसे निकलता है रुक जाता है, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, उसके बराबर वोल्टेज हो जाता है, और उसके बराबर जैसे वोल्टेज होगा ये निकलते ही रुक जाएगा वहाँ पे। आई बात समझ, मतलब कि ये घटना हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर जीरो हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनाया था वो वहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंटली उसको देख लिया कि हाँ किस तरीके से वो घटना होती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई ना कि किस तरीके से ये जो चीज़ें मैं बता रहा था वो एक्चुअल में हो रही है वहाँ पे। कूल है, ठीक है भैया। ये आपका क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, अभी टाइम कितना है, हाँ जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देता हूँ क्या क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहली चीज तो इसकी क्या थी, डेफिनेशन हो गई थी, एक तो परिभाषा हो गई थी, इसकी परिभाषा हो गई, फिर इसका जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया वो हो गया। तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, है तो आइंस्टीन की व्याख्या हो गई, दो चीजें तो हो गई। फिर उसके बाद में इसकी प्रायोगिक व्याख्या हो गई, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन हो गया, इसकी प्रायोगिक व्याख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली है, इसके बाद में एक और चीज़ आती है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उसकी प्रायोगिक व्याख्या कीजिए। तो आपको डेफिनेशन ये बतानी है, डेफिनेशन के साथ में मैंने एक डायग्राम बनवाया था, वो डायग्राम लिख देना, और उसके बाद में आप इसकी प्रायोगिक व्याख्या बता देना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो करवाया वो, अगर ऐसा पूछा जाए तो। या फिर ये ऐसा पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसका जो आइंस्टीन की व्याख्या है वो समझाइए, आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। कई बार आपको ये नहीं पूछता, कई बार आपको ये पूछता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है चिरसम्मत यांत्रिकी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी उसको एक्सप्लेन कर पाया कैसे, ये पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसका डायग्राम बना देना,
और उसके बाद में ये कैसे एक्सप्लेन कर पाया, कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो क्या चीज़ है वो अब मैं बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया और क्वांटम मैकेनिक्स उसको क्यों एक्सप्लेन कर पाया, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जो कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर जाके भेजिए, कमेंट कीजिए, उनका मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बड़ा डाउट होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक एक चीज को मैं लिखवा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं हम बात करते हैं क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो चिरसम्मत यांत्रिकी असफल क्यों हुई और क्वांटम यांत्रिकी की सफलता कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी व क्वांटम यांत्रिकी की तुलना कंपैरिजन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कंपेरिजन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स मतलब दोनों ने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया था। तो चिरसम्मत यांत्रिकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, अब इसको इसी क्वेश्चन को या इसी टॉपिक को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी क्यों फेल हो गया और ये तो उसका फेलियर कैसा था और ये कैसे उसको सक्सेस हुआ एक्सप्लेन करने में, तो उसकी सफलताएं और इसकी असफलताएं के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे भी पूछे अपने को तो आंसर ये करना है। ठीक है, अब देखो इसके मैं पॉइंट्स बताता हूँ कैसे कैसे एक एक पॉइंट वाइज बात करेंगे कि वो क्यों असफल हुआ ये कैसे सफल हुआ। पहला पॉइंट देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी उसमें हमने प्रकाश को क्या माना था, तरंग। यहां पर क्या माना, फोटोन, कण माना। तो जब प्रकाश को तरंग मानते थे तब एक चीज होती थी, तरंग में ये मानते हैं कि जैसे ही लाइट आती है, मतलब तरंग आया, मान लो लाइट इसके ऊपर, ये फोटो प्लेट है इसके ऊपर लाइट जैसे एमिट हुई तो कोई वेव आई तो वेव के पास में जो एनर्जी थी वो सारा जो मटेरियल है उसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों को वो एक समान रूप से एनर्जी दे देता है। जैसे मान लो वेव आई और उस वेव का जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, तरंग आग्र, उसके पास में मान लो 2 जूल एनर्जी है, तो वो जो 2 जूल एनर्जी है वो सारे इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी थोड़ी समान रूप से बांट देगा, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के हिसाब से क्या हुआ, क्वांटम यांत्रिकी के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि फोटोन आते हैं, तरंग नहीं आती, वेव आता ही नहीं, फोटोन आता है, और जो फोटोन आता है प्रकाश के रूप में तो वो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन करता है और एक फोटोन का जो पूरा एनर्जी वो एक इलेक्ट्रॉन को जाता है, सारे इलेक्ट्रॉनों में बांटता नहीं है वो, आई बात समझ में। और जब सारे इलेक्ट्रॉनों में नहीं बांटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में जैसे उसको निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो जैसे एक फोटोन की पूरी एनर्जी उसको मिल जाएगी तो एकदम से वो उसी टाइम पर निकल जाएगा। और अगर जैसे तरंग रूप में क्या बोला गया था, तरंग रूप में ये बोला गया था कि उसके पास में जो एनर्जी आती है वो समान रूप से बांट दी जाती है, और अगर एनर्जी ऐसे सबको थोड़ी थोड़ी बटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में जो उसको निकलने के लिए एनर्जी चाहिए उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तरंग से तो मिला नहीं, जो थोड़ी देर तक तरंग आती रहेगी उसके बाद में उसकी एनर्जी मिली फिर वो निकलेगा बाहर, ऐसा होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम नहीं लगता, जैसे लाइट आ जाती है वो एकदम से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंट फिनोमिना है, मतलब एकदम से हो जाता है। तो तरंग, अगर तरंग मान के करेंगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि तरंग के हिसाब से तो समान रूप से वितरित होता है, जबकि फोटोन ये बोलता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी दे देता है तो वो एकदम से एनर्जी लेके चला जाता है बाहर, आई बात समझ।
इसका मतलब कि फोटोन से एक्सप्लेन कर दिया गया, उसको तरंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्लियर है? तो लिखो इसका जो पहला पॉइंट है वो लिखो कि किस तरीके से वो असफल रहा था, ये सफल रहा था। तो पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट इज ए वेव, तरंग प्रकृति का होता है। तो जब किसी फोटोप्लेट पर प्रकाश आपतित होता है तो तरंग से मिलने वाली ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। जिसके कारण किसी एक इलेक्ट्रॉन को धात्विक प्लेट से उत्सर्जित होने में काफी समय लगना चाहिए। जबकि वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना बहुत तेज गति से होती है। अतः चिरसम्मत यांत्रिकी के तरंग मॉडल से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या नहीं हो सकी। इंग्लिश में लिखो, क्या लिखवाया था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट इज ए वेव एंड when a wave incidence on a photoplate the energy of the wavefront distributes equally to all the electrons. So there will be delay between the incidence of the wave and emission of the electron from the photoplate. But
एक्चुअली द फिनोमिनन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बट एक्चुअली द फिनोमिनन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इंस्टेंटली सो क्लासिकल मैकेनिक्स couldn't explain this point. So classical mechanics couldn't explain this point of photoelectric effect. एक point ये हो गया कि जैसे ही यहाँ पर इस plate के ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे light आती है और तो wave nature अगर हम लोग मानते हैं तो wave nature के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा एक समान रूप से मिलती है वेव से, तो एक समान रूप से मिलेगी तो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो कि 5 जूल एनर्जी की ज़रूरत है, तो यहाँ से उसको निकलने के लिए 5 जूल एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसको 5 जूल एनर्जी मिले इसके लिए तो थोड़ी देर तक वेव कंटिन्यू आती रहेगी, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा मिलेगी और फिर उसके बाद में ये यहाँ से निकल के जाएगा, मतलब यहाँ से वेव आए और इलेक्ट्रॉन को निकले इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है तरंग प्रकृति के हिसाब से, तो लगना चाहिए क्योंकि तरंग से तो ऊर्जा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एक समान रूप से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इतना टाइम लगता ही नहीं है, जैसे ही वेव आती है उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, हुआ था ना, तो इसका मतलब है कि क्लासिकल मैकेनिक्स का तो तरंग प्रकृति है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम लोग क्वांटम प्रकृति से करेंगे, तो क्वांटम प्रकृति से कैसे करते हैं, तो फोटोन नेचर मान के, तो क्वांटम थ्योरी से कैसे होता है, तो ये जो हमने पहला पॉइंट लिखा इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो गया ये तो हमने बता दिया, अब क्वांटम मैकेनिक्स कैसे सफल हुआ वो बात करते हैं, तो जो पहला एक्सप्लेनेशन था उसी पहले पॉइंट में आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, लाइट प्रोपोगेट्स एज इन ए फोटोन एज ए फोटोन फॉर्म, लाइट प्रोपोगेट्स एज ए फोटोन फॉर्म एज इन ए फोटोन फॉर्म, सो व्हेन फोटोन इंसिडेंस on the plate, so when photon incidence on the plate, one photon interacts to only one electron, it means the electron gets energy immediately, it means electron gets energy immediately and it will comes out from the plate and it will comes out from the plate instantly, it will comes out from the plate instantly, ठीक है, मतलब कि हिंदी में लिखवाता हूँ इसको, चिरसम्मत क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश एक फोटोन होता है, प्रकाश फोटोन होता है और जब फोटोन धात्विक प्लेट पर आपतित होता है, जब फोटोन धात्विक प्लेट पर आपतित होता है तो धात्विक प्लेट पर आपतित होता है तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ अंतर्क्रिया करता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ अंतर्क्रिया करता है, अर्थात फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा
एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बहुत तेज गति से प्राप्त होती है, बहुत तेज गति से प्राप्त होती है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तात्क्षणिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तात्क्षणिक होती है। तात्क्षणिक का मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब उसी टाइम पर हो जाती है, टाइम लेता नहीं है, बीच में टाइम लगता नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तात्क्षणिक होती है, ठीक है। किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी मीडियम वाले एक बार जैसे इंग्लिश वाला लिखवा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, फिर आगे साथ में देख सकते हैं। या किसी को लिखने में ऐसे है कि थोड़ा मैं फास्ट लिखवा रहा हूँ तो आप पॉज करके लिख सकते हो साथ साथ में, ठीक है। तो लिखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर चीज़ को मैं लिखवाऊंगा। दूसरा पॉइंट, तो एक तो ये चीज़ होगी कि जैसे यहाँ से लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम नहीं लगता, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से टाइम लगना चाहिए, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से टाइम लगता नहीं है, ठीक है। अभी अपने पास टाइम है 3 मिनट और अभी, तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मान लो मैं देहली आवृत्ति, मान लो देहली आवृत्ति है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, तो न्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी अगर जिसकी है, जिस लाइट की आवृत्ति इससे कम है, वो लाइट भी अगर मैं प्लेट के ऊपर डालूं बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट भी अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा तीव्रता के साथ डाल रहा हूँ, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, मतलब एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट है, लेकिन बाद में जाके क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बताया कि वहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये तीव्रता पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोप्लेट, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोप्लेट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार फोटोप्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जबकि ऐसा नहीं होता क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हमने क्या लिखा था इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके।